अगर आपको मास एंटरटेनमेंट वाली फिल्म्स पसंद है ना तो फॉर श्योर आपको ये फिल्म पसंद आने वाली है। अदरवाइज गॉडज़िला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर आपके मतलब की नहीं है। तो पहले बात करते हैं इसके एक्शन पे ही। मूवी का एक्शन बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, गूज़ बम्प्स मूवमेंट से भरा पड़ा है, और क्योंकि एक्शन ही इकलौती चीज़ है इसके लिए आपको देखनी चाहिए, क्योंकि स्टोरी मूवी की बस ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सिनेमेटिकली मूवी में कोई कमी नहीं है, मूवी का एक्शन बहुत ही बढ़िया है। दिक्कत आती है इसकी स्टोरी में, बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ बढ़िया नहीं है। कुछ कुछ पॉइंट पर आपको लॉजिकल भी लग सकती है। तो ये एक एंटायरली मास एंटरटेनमेंट फिल्म है। सो ओवरऑल मैं यही कहूँगा, मूवी ठीक है, एंजॉयबल है, मास एंटरटेनिंग है, बट अगर आप इसको स्टोरी के लिए देखने जा रहे हो तो आपको फॉर श्योर डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है। जैसे फिल्म में कुछ सीन थे लाइक इनके पास बहुत बजट है तो उड़ाना है, लाइक एक सीन होता है कि कॉन्ग का दांत वो बदल रहे होते हैं, मैं सोच रहा हूँ ये डालने की क्या जरूरत थी भाई। मुझे तो लग रहा है कि भाई क्रिएटर्स ने ये सोच के बनाई थी कि जब लोग देखने आएंगे ना उनको तगड़ा सा तगड़ा एक्शन दिखाएंगे स्टोरी की भाड़ में। सो दैट्स माय रिव्यू गाइस, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।